हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल नॉलेज एमसीक्यूज फॉर क्लास इलेवेंथ। ये स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो आपके होते हैं क्लास इलेवेंथ के लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये हमारा वीडियो नंबर टू है। बीएचयू, एएमयू, जामिया, नवोदया एंड अदर स्कूल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वीडियो, क्योंकि हर वीडियो हम 20-20 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वीडियो पार्ट नंबर वन में 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी 20 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। विच सिटी विल होस्ट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो यहाँ पर ये सिटीज के नाम दे रखे हैं आपको, फोर नेम्स, इसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है तो उसका आंसर हो जाएगा बर्मिंघम। तो द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स ऑफिशियली नोन एज, इसको इस तरह से 2000 ये लिखा देगी 22 कॉमनवेल्थ गेम्स एंड कॉमनली नोन एज बर्मिंघम 2022। अब यहाँ बात करें, इज इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स फॉर मेंबर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो जो कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं उनके लिए है। बर्मिंघम आपका कहां पर है? यूके में है आपका। दैट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन बर्मिंघम, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। विच इज द हाइएस्ट ऑनर्स ऑफ अवार्ड गिवन फॉर अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में आपको, अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड को बिलोंग करते हैं, तो स्पोर्ट्स फील्ड में हाईएस्ट जो प्राइज होगा, हाईएस्ट ऑनर का जो अवार्ड होगा वो कौन सा होता है? अर्जुन अवार्ड होता है, द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, ध्यानचंद अवार्ड होता है, या फिर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है वो करेक्ट आंसर है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है। द राजीव गांधी खेल रत्न ऑफिशियली नोन एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स इज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कप एंड ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद क्रिकेट। तो क्रिकेट से कौन सी ट्रॉफी जो है वो एसोसिएटेड है? अब यहाँ पर आते हैं, रणजी ट्रॉफी आपने सुना होगा कि रणजी जो हमारे स्पोर्ट गेम होते हैं, क्रिकेट गेम, तो यही इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। अब आपको साथ साथ आगा खान कप किससे रिलेटेड है, डेविस कप किससे रिलेटेड है, वॉकर कप किससे रिलेटेड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आगा कप जो है वो हॉकी से रिलेटेड है, डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है, एंड वॉकर कप जो है वो गोल्फ आपका क्रिकेट फील्ड से रिलेटेड है, वो गोल्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो गोल्फ स्पोर्ट्स, टेनिस स्पोर्ट्स एंड हॉकी स्पोर्ट्स। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द कवल टाइगर रिजर्व KTR को बोलते हैं, इज लोकेटेड इन इंडियन स्टेट ऑफ, किस स्टेट में? ये तेलंगाना में है, नागालैंड में है, मणिपुर में, या सिक्किम में? तो ये जो है वो तेलंगाना में होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि कवाल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड एट जनराम मंडल ऑफ मंचेरियल डिस्ट्रिक्ट, ओल्ड एडिलाबाद जिसको बोलते हैं, ओल्ड एडिलाबाद डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना स्टेट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड कवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ, तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कवाल की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको टाइगर रिजर्व इन 2012 में इसको जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेडियस ऑफ द अर्थ अप्रोक्सीमेटली आपको बताना है किलोमीटर्स में, तो ये 6000 आपका हो जाएगा। ठीक है, 6000 किलोमीटर यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टेब्लिश कैशलेस सिस्टम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स। तो फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सी स्टेट है जो कैशलेस हो गई? अब यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटका, केरला, पंजाब या गुजरात? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात इसका करेक्ट आंसर है। गुजरात हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री फॉर एस्टेब्लिशिंग कैशलेस सिस्टम इन इट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS ऑफ द फूड गेम्स। तो ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, लेकिन इससे आपको ये एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरह के। ये करंट से रिलेटेड, तो करंट के 10 क्वेश्चन में आप मान के लिए 2 या 3 क्वेश्चन आपके करंट के होंगे, बाकी आप स्टैटिक GK आती है, जो आपके बाकी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले जो वीडियोज होंगे उसके में। जो लास्ट में जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो करंट से रिलेटेड होंगे, 2-3 वीडियो लगभग 50-60 क्वेश्चन मैं कवर करूंगा, उसी में से आपका आ जाएंगे वो 2 या 3 क्वेश्चन, लेकिन बाकी 7 या 8 क्वेश्चन के लिए आपको जो है वो ये वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। द बेनिफिशियरी हु, देखिए यहाँ पर जो है गुजरात हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द इकोनॉमी इन द कंट्री फॉर एस्टेब्लिशिंग कैशलेस सिस्टम इन इट्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर द फूड ग्रेन्स। द बेनिफिशियरी हु आर एलिजिबल फॉर सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NFSA। ठीक है, विल नाउ नीड टू कैरी ओनली आधार कार्ड। तो उसको सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत है फूड ग्रेन्स लेने के लिए, तो इसको जो है कैशलेस बना दिया है, आपको पैसे के ले जाने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट बात करते हैं, ई अहमद हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब कभी कभी क्या होता है कि जो आपके प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं, जो आपके पॉलिटिशियंस होते हैं, उनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है, मल्लापुरम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉन द मोनाको ग्रांड प्रिक्स इन 2016। तो 2016 में मोनाको ग्रांड प्रिक्स किसने जीता था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है, लुइस हैमिल्टन। तो ये क्वेश्चन जो है वो अब तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए 2020 का तो मैक्सिमम स्पोर्ट्स गेम जो है वो कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन 20 जो गेम 19 का इम्पोर्टेंट हो जाएगा 20 में, क्योंकि अभी एग्जाम आपका होगा कुछ दिनों के बाद, तो बाकी गेम तो होना मुश्किल ही है। अब तो आपके एग्जाम से पहले कोई भी गेम नहीं होगा, तो आपको 19 का पता होना चाहिए। देखिए यहाँ मैंने लिखा है लुइस हैमिल्टन जो है उन्होंने 2016 में भी ये जो है वो जीता था, और 2019 में भी जो है वो जीता है। तो आप याद रखना 2019 में भी है, एंड 18 का अगर आप याद रख पाए तो बहुत अच्छा है। डेनियल रिचार्डो ने ये जीता है। अब यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्ट है कौन सी, ये मर्सिडीज के लिए खेलता है। ये देखिए मर्सिडीज से लुइस हैमिल्टन जो है मर्सिडीज कंपनी से, ये फरारी से, और ये रेडबुल रेसिंग टैग ह्यूअर। तो यहाँ से जो है वो कंपनीज होती हैं, अलग कंपनी जो है वो कंस्ट्रक्टर इनको बोलते हैं, और इनके ड्राइवर्स होते हैं। तो लुइस हैमिल्टन का ड्राइवर जो 2019 में भी इसने इस रेस को जीता है, तो आप याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं, टेल ऑफ टू सिटीज एंड ओलिवर ट्विस्ट वॉज रिटन बाय। तो ये किसने लिखी है, ये चार्ल्स डिकेंस लिखी है। तो बुक से रिलेटेड जो है वो हर बार एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, चार्ल्स जॉन हफम डिकेंस जो है कंप्लीट नाम है, वॉज अ राइटर एंड सोशल क्रिटिक हु क्रिएटेड सम ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन फिक्शन कैरेक्टर्स एंड रिगार्डेड एज अ ग्रेटेस्ट नोवेलिस्ट। तो इसको ग्रेटेस्ट नोवेलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन इरा बोलते हैं। His works enjoyed unprecedented popularity during his lifetime, and by the 20th century, critics and scholars had recognized him as a literary genius. His novels and short stories enjoy lasting popularity. ठीक है, अब चलिए next question देख लेते हैं, Where was 2016 Summer Olympics held? अब क्योंकि ये question previous year question paper है, ये 2017 में आपका आया है। अब 2017 में आया तो उस समय के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, 17 का 16 में पूछेंगे, तो अब आपको 19 वाला आपको पता होना चाहिए और 2020 के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर रियो डे जेनेरियो है। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। देखिए 2016 में जो आपका हुआ था रियो डे जेनेरियो में हुआ था, और इसमें जो सबसे ज्यादा जो जीता था वो किसने, यूनाइटेड स्टेट्स में। अब क्योंकि हर चार साल के बाद होता है, तो अब 2020 में इसको होना था, कहाँ होना, टोक्यो में। तो ये आपका आ सकता है 2020 का जो है वो शिफ्ट हो गया है, क्योंकि 2020 जो है वो आपका जो है वो ये जो पेंडेमिक है इसकी वजह से, कोविड-19 की वजह से शिफ्ट हो गया है, और ये 21 में पहुंच गया, 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक अगली साल ये होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए टोक्यो में, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको पूछा जा सकता है कि 2020 समर ओलंपिक या 21 समर ओलंपिक कहाँ पर होगा, टोक्यो में होगा, ये आपको पता होना चाहिए। 24-28 का भी दे रखा है यहाँ पर, पेरिस और लॉस एंजल्स, तो इतना आगे का नहीं पूछा जाएगा, 20 वाला ये पूछ सकते हैं जो शिफ्ट हो गया 21 में, तो यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपका जो है वो आपको पता होना चाहिए, जॉर्ज वॉशिंगटन जो है वो उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, जीका वायरस वॉज डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। किस कंट्री में जीका वायरस को डिस्कवर्ड किया गया। अब आपको जो है वो कोविड-19 का पता होना चाहिए, तो ये जो वायरस है वो आपको पता। तो पहले हम जीका वायरस के बारे में देखें, जीका वायरस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1947 एंड इज नेम्ड आफ्टर द जीका फॉरेस्ट। तो जीका नाम जो आया वो फॉरेस्ट की वजह से आया यहाँ पर, ठीक है। अब अगर अभी हम देखें तो क्या हमारा कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस जो है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये चाइना से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कोरोना से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आना है, उससे रिलेटेड में क्वेश्चंस आपको आने वाले कुछ वीडियोस में इंक्लूड करूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, ठीक है, आप इनको अच्छे से देखें और दो दो तीन तीन बार जरूर देखें उनको, अगर आप जो है वो लिख लें क्वेश्चंस को। इसकी पीडीएफ जो है वो मैं साइट पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लें। इन 1952 द फर्स्ट ह्यूमन केसेस ऑफ जीका वर डिटेक्टेड एंड सिंस देन आउटब्रेक्स ऑफ जीका हैव बीन रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ एशिया एंड द पैसिफिक आइसलैंड। तो पैसिफिक आइसलैंड में जो है वो इसको मतलब ये मिला था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो कोरोना वायरस के बारे में आपको पता होना चाहिए, चाइना के बारे में। मैंने जो कोरोना वायरस रिलेटेड एक साइट पे अपना जो है वो एक पूरा आर्टिकल लिख रखा है,
उसके प्रिकॉशंस वगैरह वो आप वहां से देख सकते हैं, वहां पर मैं जो है वो कुछ पोस्ट लिखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी? तो फ्रंटियर गांधी जो है वो किसको बोलते थे? खान अब्दुल गफ्फार को बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वॉज डिस्कवर्ड बाई? तो ये किसने डिस्कवर्ड की थी? ये जो आपका है देखिए, अब इसका जो है एडवर्ड जेनर, तो द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इंट्रोड्यूस बाई एडवर्ड जेनर इन 1796 की बात करें, लगभग लगभग आपका कितना हो जाएगा, 225 साल पहले की बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, चार्ल्स डिकिंस इज द ऑथर ऑफ, देखिए चार्ल्स डिकिंस का दोबारा आ गया, तो चार्ल्स डिकिंस जो है वो ऑथर है किसका? ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको इनके जो चार्ल्स डिकिंस के जो है वो पता होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, चार पांच छह बुक्स जो है वो आप नेट से जो है वो कॉपी कर लें, एक जगह लिख लें चार्ल्स डिकिंस ने क्या क्या लिखा है, कौन कौन सी बुक लिखी है, उनको आप याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 की, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रिएटर ऑफ स्टार वॉर्स? तो स्टार वॉर्स का कौन क्रिएटर है? एक इंपॉर्टेंट मूवी है, जॉर्ज ल्यूकस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है, तो जॉर्ज वॉल्टन ल्यूकस जूनियर बॉर्न 14 मई 1944 इज एन अमेरिकन फिल्म मेकर, फिलंथ्रोपिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर। लुकस इज द बेस्ट नोन फॉर क्रिएटिंग द स्टार वॉर्स एंड इंडियन जोन्स फ्रेंचाइज एंड फाउंडिंग द ल्यूकस फिल्म, ल्यूकस आर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक। तो इसके बारे में आपको ये चीज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द 2015 जनपथ अवार्ड? तो जनपथ अवार्ड है इसको, है ना, यहाँ पर जो है वो आपका जो है वो हो जाएगा JAN। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो उसको इस तरह से भी लिखते हैं, तो यहाँ पर जो है वो आप यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, इस तरह के आंसर है। तो यहाँ पर जो है अगर आप ध्यान दें, ये 2015 का है, तो देखिए पहले हम जान लेते हैं कि जनपद अवार्ड क्या है। तो जनपद अवार्ड इज द इंडियन लिटरेसी अवार्ड प्रेजेंटेड एनुअली बाय द भारतीय जनपद टू द ऑथर फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर। तो लिटरेचर के फील्ड में इसको देते हैं इंस्टीट्यूशन इन 1961, तो सबसे पहले ये 1961 में इसको दिया गया। द अवार्ड इज वेस्ट वोड ओनली ऑन इंडियन राइटर्स राइटिंग इन द इंडियन लैंग्वेजेस, सिर्फ इंडियन लैंग्वेजेस में इंक्लूडेड इन द इंग्लिश 8 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेज लिखी गई हैं उन लैंग्वेजेस पे एंड इंग्लिश में जो काम करते हैं उनको लिए दिया जाता है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर लिस्ट दे रहा हूँ, तो 2015 में किसको मिला? रघुवीर को मिला यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आएगा 15 का। अब अगर क्वेश्चन आएगा तो 19 या 18 से रिलेटेड आएगा, तो 19 और 18 का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 19 का याद कर लें आप, 18 का याद कर लें, इनको इंग्लिश में दिया गया है, इनको मलयालम में दिया गया। ठीक है, तो ये जो है वो आप लिख कर रख लें, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी PDF मैंने आपको बता ही दिया। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड व्हिच स्कीम फॉर ऑनलाइन रिलीज ऑफ न्यू LPG कनेक्शंस? तो न्यू LPG कनेक्शंस के लिए सहज एक स्कीम है, इस स्कीम को लॉन्च किया गया। अब ये सुलभ सरल एंड स्माइल स्कीम आपको पता होनी चाहिए, आप जो है वो नेट पर लिखें और नेट पर जो है वो सर्च करें और उसको कॉपी में लिख लें कि सुलभ स्कीम किस लिए है, सरल स्कीम किस लिए, स्माइल स्कीम किस लिए है, और आप कमेंट में इनके आंसर जरूर लिखें। ठीक है, तो सहज स्कीम जो है वो आंसर हो जाएगा। द यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर का नाम है, अब ये मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं, बट यूनियन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर जो है वो ये मिनिस्ट्री है, हैज लॉन्च सहज स्कीम फॉर ऑनलाइन रिलीज ऑफ न्यू LPG कनेक्शंस फॉर द कंज्यूमर्स एज अ पार्ट ऑफ इट्स कंज्यूमर फ्रेंडली इनिशिएटिव इन न्यू दिल्ली। ठीक है, अब देखिए 19 क्वेश्चन कह रहा है कि द नेशनल गेम ऑफ रशिया, आपको बताना है रशिया का नेशनल गेम क्या है? टेनिस है, बैडमिंटन है, चेस है या बेसबॉल है? अब यहां पर जो है वो चेस आपका दिया है, तो चेस इसका आंसर हो जाएगा, बट एक्चुअली में चेस नहीं होता है इसका। चेस जो वो मोस्ट पॉपुलर गेम है, बट बैंडी जो है वो हॉकी की तरह होता है, इसको कंसिडर कहते हैं, इसको जो है वो नेशनल गेम रशिया में माना जाता है, बट आंसर नहीं, आंसर में बैंडी नाम का कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए जो है वो हम आप जो है वो चेस लगाएंगे, चेस जो है वो मोस्ट पॉपुलर है। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है कि चाइना का जो है वो मोस्ट पॉपुलर या नेशनल गेम क्या है? तो चाइना का नेशनल गेम क्या है, इसको आप जो है वो कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, ये जो है वो आपको लिखना ही लिखना है, और क्योंकि चाइना से रिलेटेड आ सकता है, क्योंकि चाइना जो है वो क्योंकि कोविड 19 की वजह से चाइना जो है वो सेंटर में आ गया। ठीक है,
तो चाइना से रिलेटेड COVID-19 से क्वेश्चन आएगा तो चाइना से रिलेटेड आ सकता है, और इस तरह के अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हमारा चाइना के बारे में पता हो, इटली के बारे में आप ध्यान रखना है ना, और आप जो है वो जो इम्पोर्टेंट जो इस समय आप न्यूज़ में जितनी भी कंट्रीज देखें उन सारी कंट्रीज के नेशनल गेम आप याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टेनिस प्लेयर आपका जो है नोवाक जेकोविक बिलोंग्स टू, तो ये जो जेकोविक जो बहुत बड़े प्लेयर हैं, किसके टेनिस प्लेयर हैं, ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? सर्बिया कंट्री से। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे, और मैंने जैसा आपको बताया कि ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप जो है वो डाउनलोड सेक्शन में जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ ना मिले तो आप यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप ढूंढ लेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे आप GK, ठीक है, या जनरल नॉलेज लिख लें, GK लग के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 1 2 3 करके मैं पूरे Part 1 Part 2 Part 3 करके, या Part 2 Part 3 इस तरह सर्च करेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप डाउनलोड में चले जाएं, मैं इसको डाउनलोड सेक्शन में इसको अपलोड करूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो है वो इतनी थी, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, हिमाती गमन, साइनिंग ऑफ।